दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि किसी कंपनी के लास्ट में लिमिटेड वर्ड होता है और किसी कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? या फिर अगर आप लोग इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते होंगे तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपने जिन जिन कंपनीज का नाम सुना हुआ है वो सब की सब स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो में हम यही सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंपनीज कितने टाइप्स की होती हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज कई टाइप की हो सकती हैं, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एटसेट्रा। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि कंपनी के ये दोनों फॉर्म सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनको समझने से पहले बेसिकली कंपनी के दूसरे फॉर्म्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो होती है जिसमें कोई शेयर होल्डर्स नहीं होते, बस कुछ लोगों की गारंटी होती है कि अगर कल को कंपनी डूब जाती है और क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उन लोगों से लिए जाएंगे जिन्होंने इसके लिए गारंटी दी हुई है। हालांकि जितनी अमाउंट की उन्होंने गारंटी ली हुई है उनसे बस उतनी ही अमाउंट ली जा सकती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जनरली NPO यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सेकंड इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जैसे हमने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में समझा कि वाइंड अप के केस में मेंबर्स से उतनी ही अमाउंट ली जा सकती है जितनी उन्होंने गारंटी की थी, ऐसे ही कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे बस शेयर्स के प्राइस के जितनी ही अमाउंट मांगी जा सकती है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने IPO निकाला और शेयर का प्राइस रखा 100 रुपये। अब ये जरूरी नहीं होता कि कंपनी सारे के सारे पैसे एक साथ ले ले। हो सकता है कि कंपनी अभी बस 70 रुपये ही मंगवाए, फिर इन फ्यूचर नीड पड़ने पे 30 रुपये और मंगवा लें। तो इन केस जहां पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल से कम है और वो कंपनी किसी रीजन से बंद हो जाती है तो जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको फिर भी 30 रुपये देने पड़ सकते हैं। ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी को प्राइवेट कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इसमें बस एक पर्सन के पास ही कंपनी का शेयर होता है। नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी। डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज होती है, और प्राइवेट कंपनी के केस में एक पर्सन अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, और प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती, मतलब अपने शेयर्स को पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी क्या है, और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में ये भी बताया गया है कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो ही पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, मतलब शेयर्स इशू कर सकती है। चलिए प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट इज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स का होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, पब्लिक कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करना अलाउड होता है। अगला है नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर 200 तक हो सकते हैं। वहीं पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट नेम। प्राइवेट कंपनी के केस में कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइवेट कंपनी का नाम है ABC तो आप जहां भी अपनी कंपनी का नाम यूज करेंगे इसको ऐसे लिखा जाएगा, ABC प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में कंपनी के नाम के बाद लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी होता है। फॉर एग्जांपल, ABC लिमिटेड। अगला है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी के केस में प्रोस्पेक्टस इश्यू करना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में प्रोस्पेक्टस इश्यू करना मैंडेटरी होता है। प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी अपने IPO इश्यू की डिटेल देती है, जैसे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू होने हैं, शेयर्स का प्राइस क्या होगा एटसेट्रा। नेक्स्ट, मिनिमम कैपिटल। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, वहीं पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। अगला है मीटिंग। प्राइवेट कंपनी को कोई मीटिंग करना कंपलसरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी को शेयर होल्डर्स के साथ हर साल AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग करना मैंडेटरी होता है।
लास्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। प्राइवेट कंपनी के लिए अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करने की कंपल्शन नहीं होती। लेकिन पब्लिक कंपनी में पब्लिक के पैसे लगे होते हैं तो उनका राइट बनता है ये देखने का कि उन्होंने जिस बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर पब्लिक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना दिखाई जाएं तो उनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बन सकते हैं। इसलिए पब्लिक कंपनी के लिए क्वार्टरली और एनुअली पब्लिक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। दोस्तों, ये भी पॉसिबल है कि प्राइवेट कंपनी से पब्लिक और पब्लिक कंपनी से प्राइवेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। हालांकि पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और इसे बिजनेस की इमेज पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में शिफ्ट करना कंपैरेटिवली इजी है, बट ये भी थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। इन दोनों ही केस में बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। मोस्टली बिजनेस एज अ प्राइवेट कंपनी स्टार्ट होते हैं और बाद में पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है तो ज़्यादा मनी की नीड पड़ती है। फिर वो पब्लिक से पैसा लेने के लिए पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाते हैं और IPO निकाल देते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये डिफरेंस होता है प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बीच। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।